रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में सड़कों पर उतरकर अर्णब गोस्वामी की रिहाई के लिए लोगों ने मांग की, तो वहीं पर भाजपा भिवंडीसर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी किए। उसके देते हुए भिवंडी पूरब के पूर्व विधायक रुपेश मात्रे ने क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर को। सबसे पहले तो अर्णब गोस्वामी पर एक है जो अरेस्ट के बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल से ज़रूरी भी नहीं लगता, क्योंकि आरोपी कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रशासकीय अधिकारी क्यों ना हो, उनके ऊपर आरोप है और आरोप जिनके ऊपर रहता है उनको ऊपर कानून के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। आपको सबके मालूम के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नाइक है एक वास्तु विशारद है और उन्होंने 2018 में सुसाइड की और वो सुसाइड करते वक्त सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी का नाम है, क्योंकि उनके कार्यालय का निर्माण उन्होंने किया था और उसका पेमेंट जो देना था वो पूरी तरह से ना देने की वजह से उन्होंने सुसाइड की, क्योंकि उनके जो कारीगर थे, उनके जो भी स्टाफ था, उनको पैसा देने में उनको दिक्कत आ रही थी और उसी कारण उन्होंने आत्महत्या की थी और वो सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी का नाम था। तो ऐसे कोई भी आरोपी हो उसको कानूनन जो भी पुलिस है, न्यायालय है, वो हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई होती है। रही बात पत्रकारिता की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, महाराष्ट्र के लोग हो चाहे केंद्र सरकार के लोग हो, सब पत्रकारिता का आदर करते हैं। लेकिन आप सबने देखा है जब सुशांत मर्डर केस में ये अर्णब गोस्वामी किस तरह की पत्रकारिता कर रहा था, उस वक्त आप सबने देखा है एक पत्रकार को वो भाषा लैंग्वेज जो है वो सूट नहीं करती या शोभा नहीं देती। जैसे अपने हाथों की बाहें ऊपर करके हे उद्धव, हे संजय राउत, हे शरद पवार, इस तरह से जो बात कर रहा था, एक पत्रकार को ये लैंग्वेज शोभा देती नहीं। पत्रकारिता करनी चाहिए, जहाँ पर कोई चीज़ होती है, गलत चीज़ होती है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ पर किसी को न्याय नहीं मिलता उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की थी, आप सब ने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी की सुपारी लेकर ये पत्रकारिता का ढोंग रचकर उस तरह से आर भारत में न्यूज चलाता था, किसी को सवाल पूछता था उससे जवाब ना लेते हुए उसी को बार बार वो सवाल पे अड़ाता था या उसको बात करने नहीं देता था। शायद ऐसी इसको लेकर भारत सरकार की जो मतलब क्या कह गया। देखिए पहले तो अर्णब गोस्वामी के अरेस्ट पर जो बीजेपी ने भिवंडी शहर में, खास करके मैं भिवंडी शहर का उल्लेख यहाँ पर करूँगा, बाकी जगह क्या किया उससे उस पर बात करने के बजाय मैं भिवंडी में बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर निषेध व्यक्त किया या तो धरने पे बैठने की कोशिश की। कल मैंने सुना कुछ लोगों का स्टेटमेंट ऐसा है कि शिवसेना जो है बाला साहब की शिवसेना नहीं रही, शिवसेना सोनिया गांधी की सेना हो गई, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो जिनके नेतृत्व में ये निषेध किया या मोर्चा निकालने की कोशिश की, धरना देने की कोशिश की, पहले तो वो नेतृत्व उनका कौन है, आपके मालूम के लिए बताना चाहूँगा कि संतोष शेट्टी के नेतृत्व में इन्होंने प्रदर्शन किया। वो संतोष शेट्टी विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस का प्रत्याशी था। ऐसे लोग उनके नेतृत्व में जो लोग कल बात कर रहे थे, उन लोगों ने उस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव में मदद की या कांग्रेस को वोट दिए। आज वो बोल रहे कि सोनिया सेना, उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं था कि कांग्रेस को वोट देते थे समय सोनिया गांधी को वोट दे रहे या कांग्रेस को वोट दे रहे। इनको नैतिक अधिकारी नहीं है। इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भिवंडी में आप लोग कॉरपोरेशन में आज भी कॉरपोरेशन में मेयर जो है कोणार्क आघाड़ी की मेयर प्रतिभा पाटिल है, लेकिन डिप्टी मेयर जो है आज भी कांग्रेस का है और ये सभी नगर सेवक उनके साथ है। भिवंडी में सत्ता में कांग्रेस के साथ होने के बाद वो बोलते हैं सेना पर आरोप करते हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको ना सेना पर आरोप करने का नैतिक अधिकार है और ना ही कांग्रेस पर आरोप करने का नैतिक अधिकार है, क्योंकि जो कांग्रेस के ऊपर बोलना चाहते हैं उन्होंने पिछले विधानसभा में कांग्रेस का काम किया है और बीजेपी पार्टी जो है ये अर्णब के लिए क्यों रास्ते पे उतर रही समझ में नहीं आ रहा है। क्या अर्णब पत्रकार नहीं था,
अर्णव बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या बीजेपी का कोई नेता जिसके लिए ये लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, जिसके लिए ये लोग रास्ते पे उतरे हैं, मैं तो कहूँगा कि इनको कोई काम बचा नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं, भिवंडी महापालिका में बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों के सुविधा के लिए लड़ो, लोगों के अच्छे काम के लिए आपको आगे आकर लड़ना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये वो मुद्दों पे लड़ना नहीं चाहते या वो मुद्दों पे आना नहीं चाहते, इनको खाली राजनीति करनी है, और ये राजनीति नहीं तो ये खाली नौटंकी करना जानते हैं, ये मेरा आरोप है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लॉट शूज एंड बैग पेश करते हैं अपना नया कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे सैंडल्स, शूज, बैग्स, हैंडबैग्स और फैंसी में है हाई हील शूज, डेली वेयर, ऑफिस वेयर कलेक्शन, और आपको मिलेगा डिस्काउंट अप टू 50%। तो आज ही आइए और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाइए, क्योंकि लॉर्ड्स हैं सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। एड्रेस: नियर भिवंडी टॉकीज, कस्टर अली, भिवंडी।